तो सलाम सत श्री अकाल आदाब कैसन बाने जा रहा। दरअसल आज के प्राइम टाइम देख ला रहा सब चालू कर दे बने। तो आज के प्राइम टाइम में वही कुछ खास वाला खबर और कुछ खास गाना बाटे ओमें भी कुछ डीवर्थी घुसावे वाला लोग के हो मन भर मतलब क्रिटिसाइज। चलिए फटाफट आज के प्राइम टाइम देखे से पहले वो काम करी चैनल बनाया बानी सब्सक्राइब करी बेल आइकन घंटी जरूरत भाई बाकी संगी मित्र और दौड़ संग में करके शेयर कर दी कहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर ये एकलौता प्राइम टाइम आवेला बस न्यूज तक भोजपुरी पर। तो चलिए हमने आज के प्राइम टाइम के चालू कर दिया। एक्चुअली देखिए तो आज के खास और फिल्म बाटे कमाल के होखे वाली जरा फिल्म का नाम बा वजूद। वजूद फिल्म के एक्चुअली अयोध्या के हनुमानगढ़ी में मुहूर्त कैल गुल बटे और मुहूर्त के साथ ही ए फिल्म के शूटिंग भी चालू कर दिल बा। लेकिन भोजपुरी के लोग अब सच में सुधर गुल बड़ा एकदम से मुहूर्त करके इवेंटबाजी करके अब हम लोग को लगा था कि सही में कुछ नहीं मिले वाला वो पैसा एकदम बेकार जाता रहा वो पैसा वाला ही तो हमने के प्रोडक्शन में खर्चा कर दिया जाए। तो फाइनली अब वजूद फिल्म कितना खास और कितना यूनिक्स हुई ये देखे के अभी बात है। दरअसल ये फिल्म का मुहूर्त के साथ ही शूटिंग चालू कर दिया गोलबा अयोध्या में ही। ये फिल्म के देखे तो निर्माता बानी त्रिवेणी सिंह और एक डायरेक्ट कर रहा बनी संजय श्रीवास्तव। एक्चुअली संजय श्रीवास्तव कितना सुंदर और कितना कमाल के फिल्म बनाई हन अरविंद अकेला वाली ई वजूद ई देखल सच में यूनिक हो गया। काहे के फिल्म के नाम बा वजूद तो कितना अपन वजूद छोड़ जाई खास वाला वो तो समय पर ही पता चल सकेला। काहे कि बॉलीवुड में भी एगो वजूद फिल्म बना रहे जौन नाना पाटेकर हीरो रहलन उ वजूद अपना आप में कमाल के वजूद रहे जौना में कैसे एगो बेरोजगार लड़का नौकरी ना मिलते हुए के तरह के कलाकार बन के मतलब कितना कमाल के एक्ट कैले बड़न ओमें का ओ तरह के एक्ट के जलवा दिखा पैहन अरविंद के लकल या खाली वजूद के नाम पर कुछ अलग टाइप के वजूद दिखावे की कोशिश कर ली ये तो समय पर ही पता चल सकेला। ऐसे पहले कुछ भी कह दिया जाए तो कुछ खास मजा नहीं ना हो। तो फाइनली वजूद फिल्म का शूटिंग चालू कर दिया गोल बिया जौना फिल्म के डायरेक्ट संजय श्रीवास्तव कर रहा बड़न। बाकी में स्टार कास्ट में देखल जाओ तो अरविंद के लकल्लू महेश आचार्य अवधेश मिश्रा सुबोध सेठ और बीना पांडे जैसा अभी स्टार कास्ट के बस नामे नाम से एहलो अभी नजर आवे बड़ जाए और के में नजर आई कौन कौन रोल में नजर रहें जा जेने भी अपडेट आई हम रोल उनके जरूर देव प्राइम टाइम में ही। चलिए मन के अगला खबर की तरफ बात कर लीजिए वो बाटे फिल्म पिया पिया बोले जिया। तो पिया पिया बोले जिया ये अपना आप में खास और यूनिक फिल्म हुई। दरअसल ये फिल्म के सेट से कुछ खास और इसके जो फोटो आयल बा जो ना हमारे स्क्रीन पर वहाँ देख रहा बनी ओमें दिखाई दे रहा बना अविनाश शाही और ज्योति मिश्रा। ये दोनों जना के कम्बिनेशन वाला चीज़ आजकल काफ़ी कमाल हो रहा बा और ये दोनों जना कम्बिनेशन पर काफ़ी ध्यान भी दे रहा बना जा और खासा ये फिल्म वहाँ लोग खातिर एकदम से अपना आप में कुछ खास ही होके भले भैया। तो फाइनली पिया पिया जी बोले जिया के सेट से कुछ इसके लिए जो फोटो देख रहा बने जौना में इन दोनों जना के केमिस्ट्री बहुत ही क्लोज बटे। अब लागत है कि केमिस्ट्री कुछ खास कर जैसे कुणाल तिवारी और काजल यादव के जोड़ी आज ऐसा हो गया कि उन लोग के फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड खातिर मतलब चिन्हित कैल गुल बटे। अब देख बटे कि वो में सेलेक्ट हो पावे ला या ओके मतलब मिल पावे ला या ना वो तो वक्त बताई लेकिन एगो भोजपुरी सिनेमा के तरफ से वो फिल्म के चिन्हित जरूर कैल गुल बा तो जोड़ी बहुत बड़ा मायने रखेला। तो फाइनली बाटे फिल्म पिया पिया बोले जिया से कुछ इसके लिए तस्वीर। तो चलिए अब हमने अगला खबर की तरह बात कर लीजिए वो बाटे भोजपुरी सिनेमा सम्मान 2021। हाँ जौन भोजपुरी अवार्ड एगो दो हज़ार मतलब लखनऊ में होल है और बारे में बता दें कि आखिर ए में के बाटे बेस्ट एक्टर और बेस्ट हीरो तो सब कुछ बताई बता सब बता दें कि ए में के ना पहुँच रहा देखिए सबका के नेता घूर रहा है चाहे वो पवन सिंह हो को दिनेश लाल निरहुआ हो कम्रपाली दुबे हो प्रदीप पांडे चिंटू होकर सार राजकुमार पांडे होकर ये सब लोग के हैं गोई रहा है चाहे वो खेसारी लाल होकर लेकिन शायद यहाँ लोग ए अवार्ड शो में जाइल मुनासिब ना समझ रहा जा और एक के चलते हम दावा के साथ कहते कि भोजपुरी सिनेमा सम्मान 2021 पूरी तरफ से फ्लॉप बाटे एकदम से गिनल चुनल लोग ही मुश्किल से गिनल चुनल लोग ही पहुँच पैल रहा काहे कि जे तरह के तस्वीर आ रहा बटे चाहे सोशल मीडिया पर आ रहा बटे मतलब गिनल चुनल जैसे कि सीपी भट्ट भैलन मनोज आर पांडे भैलन ऐसे यही तरह के लोग ही खाली जा पैल बढ़ल और ही लोग नहीं जा पड़ल। आखिर का कमी रहा ये अवार्ड शो में का एक ऑर्गेनाइजर काफ़ी कमजोर रहा या मतलब ये झूठों के हो हल्ला कर रहा और जाए के केहू के ना रहे तो फिर का फ़ायदा ऐसा अवार्ड शो से।
दरअसल फिर भी बता दी कि मतलब अवार्ड शो के बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलल बटे मनोज आर पांडे के, जबकि वो जेबे ना करे तो भाई केहू के तो मिलबे करी। तो फाइनली मनोज आर पांडे इस साल के बेस्ट एक्टर अवार्ड पा चुकल बड़ा वो भोजपुरी सिनेमा सम्मान के तरफ से। फाइनली कमाल के बटे, लेकिन सबसे एगो चौंका देवे वाला हमके चीज लौक हुए जौन की विनय बिहारी के। विनय बिहारी के चौंका देवे वाला चीज ऐसे लौक हुए, देखिए वो फोटो हम अभी नहीं खेले पाने लेकिन भरसक चाह हमके आपको दिखाई जौना में वो अवार्ड शो में मतलब विनर लोग के मतलब देत रहुअन वो अवार्ड सम्मानित करत रहुअन, लेकिन वो जौन ऊपर से को जैकेट पहने रहो अपन बीजेपी के झंडा के साफ निशान झरकत रहो। देखिए अब कम से कम सिनेमा में ये सब नेतागिरी ना घुसाई तो बेटर बटे, लेकिन बीजेपी वाला लोग के मतलब सिनेमा में भी हर एक चीज में अपन पार्टी के घुसावल ना जन कौन प्राथमिकता समझेलन जो हमारा नाम बुझाला। तो फाइनली बहुत ही मतलब असहनीय मतलब अजीब टाइप के विडम्बना लगे। चलिए हमने क्या अगला खबर के तरफ पढ़ ली उ जिनकर हर जो मन बाबू कैल ही बड़ा। फाइनली पवन सिंह के फिल्म मेरा भारत महान रिलीजिंग डेट आ गई बटे। अब रहुआ लोग कहम कि फिल्म के ट्रेलर भी अबे ना कहल तो कैसे रिलीजिंग डेट आ गई बा, वैसे मतलब नहीं हो फिर भी रिलीजिंग डेट आ गई बा, ट्रेलर के भी आई बटे। तो सर बता दी कि मेरा भारत महान ई फिल्म कुछ भारतवर्ष के ऊपर हुई गौरव के ऊपर हो कि कहीं के में डायलॉग भैया ऐसा ऐसा दिखे वाला बटे कि अब हम अपना मुँह से ना कहम जब आई तो रहुआ लोग सुन के सब कुछ जान जाए। तो असल ये फिल्म डायलॉग के बारे में बहुत कमाल से खोल भी है और सरकार के प्रोपेगेंडा साफ साफ ए फिल्म में दिखे वाला बाटे। सही सुनो तरीके साफ साफ दिखे वाला बाटे। दरअसल फिल्म के ट्रेलर रिलीज कल जी पहले 1 जनवरी के और फिल्म के रिलीज कल जी 26 जनवरी के। तो कमाल के फिल्म हुई सुंदर कितना फिल्म हुई वो तो वक्त पर ही पता जरूर चल जी। तो असल फिल्म के निर्माता बानी विपुल राय और देवेंद्र तिवारी ये लोग एगो मतलब प्रेस वार्ता में ये चीज़ के मतलब कहल जाए कि हमने के फिल्म इतना दिन के बाद ही जाए। फाइनली पवन सिंह में कितना कमाल और कितना यूनिक कर नजर आई हन वो तो वक्त ही बताई। साथ में रवि किशन भी एक फिल्म में दिखी हन जा दोनों जाना सरकार के काफ़ी करीबी वाला आदमी हन जा। तो फाइनली देख बटे कि हम लोग का कर दे हन जा कितना कमाल कर हन जा वो तो वक्त पर ही पता चल सकेला। तो फाइनली अब हमने के अगला खबर के तरफ बढ़ वो बाटे खबर फिल्म 9mm पिस्टल। 9mm पिस्टल गुंजन सिंह के फिल्म कितना खास और कितना यूनिक बाटे एकरा के रहुआ लोग देखे खातिर को टिकट कटावे के जरूरत नहीं है। आसानी से कम 27 नवंबर के दिन अपन टीवी के सामने बैठ जाए और इस फिल्म के देख ली। सही सूरतंजा ये फिल्म के रहुआ लोग देख सकतनी 27 नवंबर के फिल्म 9mm पिस्टल। फाइनल गुंजन सिंह की जितना भी खूबसूरत फिल्म हुई रोमा लगे खुद खुद पता चल। तो चलिए हमने अगला खबर की तरफ बढ़ ली वो बाटे फिल्म दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ एक फिल्म के कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर हमार स्क्रीन पर देख रहा बनी जौना में यश कुमार और यामिनी सिंह कमाल के रोल में रूप में और रियाज खान भी नजर आ रहा बन जब। अभी फिल्म कितना दुल्हन वाला हुई कितना कमाल वाला हुई कितना यूनिक्स वाला हुई वो तो वक्त ही बता सकेला, ऐसे कुछ भी कहल हमारे तरफ से ठीक नहीं लगा। तो फाइनली फिल्म की शूटिंग अभी जोरों पर चल ही रहा भी है। तो चलिए भाई आज के फिल्म के बारे में अगर हमने के आज के जानल जाए क्रिकेट के बारे में कि आज के क्रिकेट में का होखे वाला बट। तो सर क्रिकेट के बारे में बता रही तो क्रिकेट में भारत के बहुत बड़का झटका लाग चुकल बटे टेस्ट सीरीज होके से पहले ही। हाँ लोकेश राहुल चोटिल होके टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए बढ़न। अब बाहर होखला से का भारतीय क्रिकेट पर कुछ असर पड़ी या ये टेस्ट में कुछ असर पड़ी वो तो क्रिकेट हुई केना खेलिहन जा क्रिकेटर लोग तो पता चली। अगर खराब खेलिहन जा तो असर पड़ी बढ़िया खेल लिहन जा तो कहल जी कि ना ना उनका रहला ना रहला कोनो अंतर बटे। तो फाइनली क्रिकेट है बहुत खराब क्रिकेट है लोटा के पेनी है केनी पलट जला बिना मतलब के मर दे। तो चलिए ये बाटे क्रिकेट के बाद अब हमने के बात कर ली आज के गाना के बारे में। तो चल आज के गाना बहुत ही कमाल के बाटे अजीत आनंद के। अजीत आनंद के गाना बटे गाना के बोलबा तेरे मेरे प्यार के चर्चे। हाँ गाना के बोल काफ़ी कमाल के बारे में शब्द बटे कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर कि सबको मालूम है मतलब इस तरह के संवाद बटे काफ़ी खूबसूरत बटे जो ना कि सुन के मज़ा आवत बटे वो अजीत आनंद के आवाज़ में। वीडियो भी अच्छा खासा बनल बटे
देखम जा तो मर जा आज वे करी जहाँ तक हमार पूरा पूरा उम्मीद बाटे। लेकिन अब अगला गाना बाटे प्रमोद प्रेमी के। देखिए इनका हम बिना लॉजिक वाला स्टार ऐसा ही ना कहनी, एगो तो बिना लॉजिक वाला स्टार होवन, इनका राइटर्स ऐसा होवन कि कोनो चीज़ में डीवर्थी शब्द तो ऐसा घुसावे नहीं, ऐसा घुसावे नहीं कि राउर दिमाग ए जगवात ना रही, अक्सर वही जगवा रहे। एगो गाना के बोल बटे आज यह चार के, हाँ गाना के बोल आज यह चार के, तब रोमा कम कि भाई गाना के बोल आज यह चार के तो में का तार दिक्कत बटे, दिक्कत बा एक शब्द बहुत कमाल के बटे। वो में साफ साफ कह रहा कि आ जइह चार के आ चल जइह मार के, अब रंगवाला उनका गजब हाल बटे। लेकिन छोटा सा बीचवा में बोल दिल बड़न आँख मार के हो कहा सोचा रह, ए तरह के बस एगो क्लियरिटी दिले बड़न, लेकिन वो हर एक शब्द में नहीं कह दिल ए खाली बस कह दिल बड़न। अब मान लो कि गाना सपोर्ट डेट केहू वो फर्स्ट लाइन ना सुन के सेकेंड लाइन सुने, अचानक से कहीं बाजत रहे और गाना ही सुन ली तो इनका का कही, चाहे इनकर घरे के केहू लोग हुई मतलब गुजरत हुई और वो गाना बाजत हुई, मतलब इनकर दर दयाद हित नात मतलब घर के ही व्यक्तिगत मान लो लोग हो, मतलब यार कुछ तो शर्म करी जा। तो भाई ऐसा गाना सुने वाला भी लोग बढ़ो सुने जा मन करी तो, आ ना तो मन करी तो भर भर के समझा दीजिए उनकर के कि कम से कम यार इस चीज़ से पाँच स्टार बढ़ो, स्टार के ऊपर पेमेंट होला एगो लेवल होला वो चीज़ के भी समझे के कोशिश करो ना, तो यार क्या फ़ायदा बटे। तो फाइनल अब हमने अगला गाना के बात कर ली, वो बाटे गाना पवन सिंह और अंजलि राज के। गाना के बोल बटे धुन धुआं हो जाए, गाना काफ़ी कमाल के बाद खूबसूरत बा, वीडियो भी बहुत ही कमाल के बनल बा, सुंदर बनल बा। पवन सिंह के गाना बहुत ही सुंदर बटे, एकरा के सुनल जा सकेला और सुन के मजा भी आ सकेला और लगन में भी ये गाना के बजावल जा सकेला। तो फाइनली आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही रहो, देखत रही या न्यूज तक भोजपुरी और दोस्तों के संग बताई जा, शेयर कर जा और दिखाई जा भी प्राइम टाइम न्यूज प्राइम टाइम न्यूज तक भोजपुरी वाला। बाकी राम जीत।